टेंथ क्लास बच्चे पहले जो साडा सिलेबस हो गया वो दोबारा जिहड़ा इस टर्म दे विच नहीं आएगा। हुण न्यू सिलेबस साडा जिहड़ा शुरू होने जा रहा है। फर्स्ट साडी जिहड़ी कविता हैगी है गुरु अर्जन देव जी की बाणी है। गुरु अर्जन देव जी की बाणी पहला ही जिहड़ा साडे कोल कविता आंदी हैगी है, तू है मेरा माता तू है मेरा पिता। उहदी प्रसंग सहित व्याख्या एक पैरे की तुहानूं मैं करवा दिंदी हाँ। इहदे विच है तू है मेरा पिता तू है मेरा माता तू है मेरा बंदा तू है मेरा भराता। बंदा पै बच्चे रिश्तेदार वगैरह, भराता हुंदा भरा, ठीक है। गुरु अर्जन देव जी कहंदे कि हे परमात्मा तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरी माँ है और मेरा हर रिश्ता भैन भरावां वाला तेरे नाल है। तू मेरा राखा सभनी थाई तां पौ गया काड़ा जीओ। कहंदे तू मेरा राखा सभनी थाई कि हे परमात्मा तू मेरी रख्या करन वाला हर थां ते मौजूद है। काड़ा है बच्चे चिंता तां मैनू किसे प्रकार की कोई चिंता पाओ नहीं है। तुमरी कृपा ते तुद पछाना तू है मेरी ओट तू है मेरा माना। ओट है बच्चे आसरा। माण हुंदा माण इज्जत। कहंदे कि हे परमात्मा तेरी कृपा नाल ही मैं इस दुनिया दे विच पहचानिया जांदा है, तेरे ही मैनू आसरा है और तेरे नाल ही मेरा माण इज्जत है। तुद बिन दूजा अवर न कोई, तेरे बिना दूजा इस दुनिया दे विच मेरा कोई नहीं है। सब तेरा खेला अखाड़ा जियो। कि इस दुनिया दे विच जो भी है सब तेरा ही खेला अखाड़ा है, तेरा ही खेल रचया होया, इस जगत नू तू ही बनाया होया। इस नूं पैरे नूं बच्चे जरूरी नहीं कि जो तुहानूं बुक दे विच दित्ता होया तुसीं उहनूं ही रट्टा चाड़ोगे, कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह लाइन दे विच लिखा है उस तरह तुसीं जिहड़े उहदे भाव अर्थ कढ के तुसीं उहदा जिहड़ा है प्रसंग सहित व्याख्या कर देनी हैगी है। बस मीनिंग पता होना चाहिदा। बंदा रिश्तेदार हो गई, ठीक है, भराता हो गया, भैन भरा, तां कहा काड़ा हो गया चिंता, ठीक है, ओट है आसरा। बसा कारा ते तुसीं किते भी लिखिया होए, वाहन किसी भी वाहन ते देखो उत्ते लिखिया हुंदा है सतगुरु तेरी ओट, ओट हुंदा आसरा, ठीक है। कहंदे कि हे परमात्मा तेरे नाल तू ही मेरा आसरा है, ठीक है ना। आसरा तो बच्चे उस परमात्मा का ही है। तो तू है मेरा माना कि तेरे नाल ही मेरी मान इज्जत हैगी है, तेरे नाल ही मेरे सारे थां ते मान है इज्जत है। कि दुनिया नू तू बनाया होया, सारे पासे तेरा ही खेल अखाड़ा। खुद ही बच्चे की व्याख्या करनी है, खुद ही जड़ा प्रसंग लिखना है, ठीक है।